अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री सेक्शन इन आर एसएसटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 10, द अर्ली मुस्लिम्स। आई विल डू द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। हियर इज अ साइनॉप्सिस ऑफ द हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स ऑफ द मुस्लिम्स फ्रॉम द 7th टू द 16th सेंचुरी इन द अरब लैंड्स एंड द कंट्रीज दे हैड कॉन्क्वर्ड। कहते हैं कि यहाँ आपके पास 7 से लेकर 16 सेंचुरी तक के जितने भी तारीख और कामयाबियां हैं उसका एक खुलासा पेश किया जा रहा है। वो सारी कामयाबियां जो मुसलमानों ने अरब ममालिक और ज़मीनों पर की, ठीक है, जो उन्होंने फतेह की। In the 7th century, when the rightly guided caliphate came to an end with the death of the 4th caliph, Hazrat Ali رضی اللہ عنہ, the influence of Islam had spread beyond Arabia. कहते हैं 7th century में जब Hazrat Ali رضی اللہ عنہ की वफ़ात के साथ खिलाफत जो थी वो एंड हुई, तो तब इस्लाम का जो असर था वो सऊदी अरब से आगे तक जा चुका था। मेजर एक्सपेंशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं जो मेजर एक्सपेंशन थी, जो ज़्यादातर इस्लाम फैला था या मुसलमानों ने जो मुल्क या जगह फतेह की थी वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ था। Persia had been conquered to the east, Syria, Iraq and Byzantium to the north and to the west Egypt. उन्होंने कहा है कि पर्शिया को उन्होंने ईस्ट तक फतेह कर लिया था, सीरिया, इराक और बाइजेंटियम जो हैं ये जगहों के नाम है, ठीक है, इनको नॉर्थ तक कर लिया था और वेस्ट में आपके पास मिस्र को कर लिया था। The Persian and the Byzantine empires were culturally developed and the Arabs not only brought these countries under their rule but also learned from them. अब उन्होंने कहा है कि जो Byzantium और Persian जो था, ठीक है, इनके जो empires जो थे ये बहुत ही ज़्यादा सकाफत में आगे थे, ठीक है, मतलब developed थे, और अरब जो थे लोग जो थे उन्होंने इन कंट्रीज़ इन ममालिक को सिर्फ अपनी हकूमत के अंदर वो नहीं लेकर आए, उन पे हकूमत नहीं की बल्कि उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी। द उमय्यद डायनेस्टी केम टू पावर इन 1661 अंडर माविया इब्न अबू सुफियान हु वाज़ द गवर्नर ऑफ सीरिया। उन्होंने कहा है उमय्यद डायनेस्टी जो थी वो 661 में ताकत में आई, उनकी हकूमत आई उसके अंदर, और उनके गवर्नर जो थे उस वक़्त सीरिया में कौन थे, माविया इब्ने अबू सुफियान। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू डेमस्कस, अ सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। उन्होंने जो वो था आप सिटी का जो कैपिटल होता है, ठीक है, मेन जो था वो उन्होंने डेमस्कस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, दारुल खिलाफा जो था वो उन्होंने डेमस्कस में शिफ्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, तारीखी इम्पोर्टेंस है उसकी, ठीक है। द उमय्यद पीरियड इज़ नोटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम टेरिटरीज अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया।